दोस्तों हाल ही में जो अल्लू अर्जुन की मूवी आई है पुष्पा, तो पुष्पा मूवी में ना आपने कुछ इस तरीके का डिवाइस देखा होगा जो कि अल्लू अर्जुन यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो ये जो डिवाइस है ना, इस डिवाइस को जब मैंने उस मूवी में देखा तो मैंने देखा कि ये ऐसा सेम डिवाइस तो मेरे पास भी है। और ना इस डिवाइस को देखने के बाद काफी ज्यादा लोगों के मन में आ रहा होगा कि इसका नाम क्या है, इसको इन्वेंट कब किया गया था और इसको बेसिकली यूज क्यों करते थे और ये कब मार्केट में बिकना बंद हुआ। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो गाइस बिना आपका समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर इसकी शुरुआत करें इसके नाम से और इन्वेंशन से, तो इसका इन्वेंशन जो है ना वो इन्वेंशन हुआ था यहाँ पे 1949 में। और 1949 में इसका इन्वेंशन होने के बाद इसका जो नाम मिला उसका नाम था पेजर। दोस्तों अगर इन्वेंशन की बात करें तो इसका इन्वेंशन किया गया था 1949 में और उसी के साथ साथ इसको नाम दिया गया था पेजर। पेजर बोल ले या फिर बीपर बोल ले, इन दोनों नाम से इसको जाना जाता था और इसको ना बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए डॉक्टर्स वगैरह यूज करते थे ज्यादातर। दोस्तों फिलहाल में जो हम मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, टेलीफोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो उसमें हम किसी से कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक सिम कार्ड होता है जिसका यूनिक नंबर होता है सभी सिम कार्ड का। तो इसको ना डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे यूज किया जाता था उस टाइम पे। फिर इसके फेमस होने की बात करें कि ये फेमस होना कब चालू हुआ था, तो 1947 के बाद ना इसको मोटोरोला ने लाइक अपनी तरफ से इसको बनाना चालू किया था। तो मोटोरोला के बनाने के बाद ना यहाँ पे काफी सारे लोगों ने इसको परचेज करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे वो कोड वर्ड में लाइक ऐसा नहीं है कि अभी के टाइम में जैसे हेलो हाय आप सिंपल सा भेज पाते थे उस टाइप से, आप किसी को भी भेज सकते हो मैसेज, तो ऐसा कुछ नहीं होता था वहाँ पे। लाइक छोटे छोटे जो भी इन्फॉर्मेशन वाली चीजें थे उनको वो कोड वर्ड में अपना कन्वर्ट कर लेते थे, जैसे कि 1 2 3 इस टाइप से। और सबका अलग अलग मतलब हो सकता है, आप चाहे तो आपका 1 2 3 का मतलब अपने फ्रेंड के हिसाब से कुछ अलग हो और दूसरे लोगों का अलग हो, तो उस तरीके से वो लोग यहाँ पे कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से। दोस्तों यहाँ पे 2002 के बाद जैसे कि इंडिया में मोबाइल फेमस हो गया काफी ज्यादा, इंडिया में ही क्या बाकी देशों में भी मोबाइल काफी ज्यादा फेमस हो गया, तो उसके बाद ना ये जो आप देख रहे हो पेजर, इसका डिमांड काफी कम हो गया क्योंकि कौन जाएगा इसको यूज करने, क्योंकि आप सिंपल सी बात है आप किसी को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, इंस्टेंट बात कर सकते हो, तो लोगों ने यहाँ पे पेजर को यूज करना कम कर दिया। अब यूज करने के बाद ना यहाँ पे मार्केट में आया ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी 2002 के बाद यहाँ पे उन्होंने अपना इन्वेंट किया था क्योरिटी कीबोर्ड वाला यहाँ पे पेजर। अब उसमें ये था कि आप सिंपल सा क्योरिटी कीपैड मिलता था, उसमें आप टेक्स्ट वगैरह भी आराम से भेज सकते हो, लेकिन फिर भी ना उसका उतना डिमांड नहीं था उस टाइम पे मार्केट में, इसलिए ये यहाँ पे थोड़ा सा डाउन पॉइंट हो गया था उनके लिए। अगर यहाँ पे इसकी लुक्स की बात करूँ ना, तो मैं चलिए आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ऊपर की साइड ना आपको कुछ इस तरीके से बटन्स वगैरह देखने को मिलेगा जो कि आपको कुछ ज्यादा समझ तो नहीं आएगा, अप डाउन हो गया या फिर राइट लेफ्ट टाइप का कुछ यहाँ पे स्विच दिया गया है, और उसी के साथ एक डॉट वाला है जिससे मोड वगैरह का है बटन, और उसी के साथ ना यहाँ पे साइड में अगर ऑन ऑफ स्विच दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये जो आपको ऑरेंज वाला दिख रहा है ये बेसिकली ऑन ऑफ के लिए स्विच होता था, या और इसमें ना बीप के साथ साथ साइलेंट वो ऑप्शन भी है। और उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये जो ग्रिल दिख रहा है, इस ग्रिल में आपको एक छोटा सा बजर देखने को मिलता है जिसकी साउंड काफी ज्यादा लाउड है, और उसके साथ ही आपको यहाँ पे एक एंटीना टाइप का देखने को मिलता है। अगर इसको यूज करने की बात करें तो अभी के टाइम पे जो हमारे इंडिया में डबल ए बैटरी चलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल ए जो बैटरी चलता है वो इसमें इंसर्ट करके आप इसको बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे घर में काफी टाइम से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को इसके बारे में बताऊं। और मैंने इसके बारे में पहले भी काफी ज्यादा सर्च किया कि इसको यूज कैसे करते हैं, तो मुझे उस टाइम पे तो कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन मैंने सोचा कि क्या पता आपके लिए ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि आपको जानने को मिला। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो इस वीडियो को तो अपनी तरफ से एक लाइक करिए, और अब आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि वो जो पुष्पा मूवी का जो सीन है उस सीन में उस डिवाइस का क्या मतलब होता था। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।